किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च को सुबह से लगातार पल पल का अपडेट सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। रूस यूक्रेन विवाद पर भारत ने तटस्थ रुख अपनाया है और इस बीच रूस के साथ S-400 डील भी लगातार कायम रहने वाली है, इसको लेकर अमेरिका नाखुश है। और इस बीच कई तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आई जिसमें अमेरिका ने कहा कि वो जल्द ही कई प्रतिबंध भारत पर लगा सकते हैं। हालांकि ये करना अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकता है और इसको लेकर अमेरिका के सांसद ने एक बयान भी दिया। क्या है पूरा मामला, आगे आपको बताएंगे। अमेरिकी मीडिया समेत अन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अमेरिका किसी भी तरीके का प्रतिबंध भारत पर लगाता है तो अमेरिकी विदेश नीति के लिए यह गैर वाजिब होगा। वहीं अमेरिकी सांसद टेड क्रूज ने यूएस द्वारा लिए गए ऐसे किसी भी फैसले को मूर्खता भरा बताया। बता दें, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रभावशाली सांसद टेड क्रूज ने यूएस के किसी भी तरह के भारत पर संभावित प्रतिबंध को मूर्खतापूर्ण बताया है। क्रूज ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से कहा कि रूस से S-400 मिसाइल खरीदने के लिए भारत पर CAATSA के तहत लगाया गया कोई भी प्रतिबंध मूर्खतापूर्ण होगा। उनका कहना है कि इस प्रकार की रिपोर्ट मिली है कि बाइडेन प्रशासन विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के खिलाफ CAATSA प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि बाइडेन प्रशासन में भारत और अमेरिका के संबंध खराब हुए हैं। भारत कई क्षेत्रों में एक अहम साझेदार है और हाल के कुछ सालों में भारत और अमेरिका का गठबंधन और गहरा और मजबूत हुआ है, लेकिन बाइडेन प्रशासन में ये पीछे की ओर जा रहा है। क्रूज का मानना है कि बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका के भारत के साथ संबंधों में कई बदलाव हुए। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए क्रूज ने कहा कि ऐसा करने वालों में भारत अकेला नहीं है। क्रूज ने सीनेट के विदेश मामलों की समिति में कहा कि पिछले एक साल में बाइडेन प्रशासन के तहत भारत के साथ संबंध काफी खराब हुए। जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के हाल में उपस्थित नहीं रहने से जाहिर है। वहीं अमेरिका के एक पूर्व शीर्ष राजनयिक अतुल केशप ने सांसदों से कहा कि भारत की रूस को लेकर कुछ मजबूरियां हैं और उसके पड़ोसी देश चीन के साथ क्षेत्र को लेकर मुद्दे। फिलहाल इससे ये समझा जा सकता है कि भारत की भूमिका इस समय विश्व में केंद्र पर आकर टिकी है, जिस पर अमेरिका और रूस दोनों की निगाहें टिकी हुई हैं। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।